राष्ट्रीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। तहसील अदमातू थाना खंदौली के नगला मट्टू निवासी संतोष न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन पीड़ित संतोष की पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। परिवार का आरोप है कि थाना खंदौली पुलिस पद्मा पत्नी अशोक निवासी नगला मट्टू से मिल गए हैं। एसएसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित संतोष को गंभीर चोटें आई हैं, इसके बावजूद पुलिस द्वारा शिकायत न लिखना पुलिस पर सवाल निशान लगना तय है। संतोष कुमार, कहाँ रहते हो? नगला मट्टू। कौन सा थाना लगता है? खंदौली। क्या ये जो चोट है, क्यों आई है? मेरे पैसे थे पद्मावती पे दूध के, मैं पैसे लेने गया, मुझसे मना कर दी, मैं घर चला आया। घर आने के बाद मुझे सब लोग इकट्ठे हो गए आगे घर पे, घर में घुस गए, मैं छत पे चला गया, छत पे जिला दीना की केवाल लग रही थी, केवाल तोड़ के छत पे से नीचे फेंक दिया। पैसे थे तुम्हारे? 5000 रुपए थे। हाँ, काम करते हो? हाँ, गाय गाय का वो दूध ऐसा था, गए जब जो कहीं पैसे मिल जाएंगे कहीं से आएंगे सुई दे देंगे, कहीं लेके नहीं भाग रहे। थाने से भगा दिया साहब, और यहाँ से भी कई दिन से यहाँ से लौट के जा रहे हैं, कप्तान साहब के यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, जांच कराने की कह देते हैं। मैं यहाँ कप्तान साहब के यहाँ गया हूँ, मैं डीएम साहब के यहाँ गया हूँ कल, और आज मैं गया हूँ पुलिस लाइन, और मैं बड़े अधिकारी है पुलिस लाइन वहाँ गया हूँ, उन्होंने कही जाँच के लिखे दी, अब अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अभी जो कोई कोई नहीं जाता है, कोई नहीं करा रहा है, नहीं आके यहाँ आवागमन निर्भर है, पुलिस भाई थाने के अंदर सब लोग आके बैठते हैं, मुझे मेरे में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। वहीं पीड़ित जख्मी संतोष के परिवार के लोगों का कहना है कि नगला मट्टू निवासी पद्मा पत्नी अशोक का चरित्र सही नहीं है और थाना दरोगा महिला के प्रभाव में है। महिला पद्मा और उसके परिवारी जनों को बचाने के लिए पुलिस जानबूझकर मुकदमा नहीं लिख रही है। सुशीला देवी, कहाँ रहती हो? नगला मट्टू। ये जो मार लगाई, कौन है तुम्हारा? जे मेरा बेटा है, मार लगाई जे सुनीता और वो जे पद्मा और संगीता और अजय और वो करण जे सब विनोदा, हाँ जे छत पे से फेंक दिया, पैसे मांगने गया था, जे दूध के पैसा है जाके, मैं जो कही उधार मन दे पे जे देगी नहीं दूध, जो कही हम दे देंगे, हम भाजे जा रहे हैं हमें छोड़ के, सो तुम हम ना दे रही दुनिया दूध उधार दे रही है। पुलिस सुनाई ना कर रही, कप्तान साहब के यहाँ गए, उन्होंने जांच लिखे थी कहा लिखे थी, और डीएम साहब के यहाँ गए, उन्हें मेडिकल होना तो। पीड़ित का पूरा परिवार न्याय पाने की खातिर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन थाना खंदौली पुलिस दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। इतनी चोटें होने के बावजूद पुलिस ने मेडिकल कराना उचित नहीं समझा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थों के बातों पर यकीन कर मुखदर्शक बने हुए हैं। 70 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।